गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का जो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे स्पेस लैटिस यूनिट सेल, अब उसके आगे की कहानी सीखने का समय आ गया है। कल एक दिन क्लास किसी कारणवश आप लोग का नहीं हो पाया था, आज से फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, व्हाट इज स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट क्या था, प्लेन लैटिस क्या था, प्लेन लैटिस को कैसे हम 2D में देखते थे, यूनिट सेल क्या था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लिए थे। आज हम लोग का मेन फोकस क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से यूनिट सेल का यूज करते हैं। क्योंकि आप लास्ट क्लास में ये सीख चुके हैं कि जो कुछ भी सॉलिड का है वो सब कुछ यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या था, क्वालिटी था, यूनिट सेल क्या था, प्रॉपर्टीज था, और स्पेस लैटिस क्या था, क्वांटिटी था, समूह था, यूनिट सेल का यूनियन था, यही तो सिखाया था हमने। कोई दिक्कत वाली बात, आगे की ओर करते हैं कहानी। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा सबको। सबसे पहले और थोड़ा सा ऊपर कर लें, सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस क्या है इस पर आइए। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, इन्हें क्रिस्टल लैटिस ईच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन, जिसे हम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पॉइंट। आप क्या देखे थे, जब हम लोग स्पेस लैटिस को रचना कर रहे थे तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट से दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, ये पॉइंट है क्या। तो क्रिस्टल लैटिस में जो एक एटम है या मॉलिक्यूल्स है या आयन है, जिसे हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते थे, उसको हम लोग इस पॉइंट से दिखाते थे। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस साइड। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस साइड या लैटिस पॉइंट कहे थे। ये भी एकदम खूब बढ़िया ढंग से क्लियर है। लैटिस साइड और पॉइंट्स आर टुगेदर ज्वाइंट बाय स्ट्रेट लाइन एंड क्रिएट ए क्रिस्टल लैटिस। अगर उसको हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते चले जाते तो क्या दिखने लगता, यही क्रिस्टल लैटिस दिखने लगता। कोई दिक्कत वाली बात है। व्हेन वी कनेक्टेड दीज स्ट्रेट लाइंस वी कैन गेट ए 3D व्यू। जब इसको हम कनेक्ट करने लगेंगे स्ट्रेट लाइन से तो 3D व्यू दिखने लगेगा। दिस 3D अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस एंड ऑल्सो नॉन एज ब्रेविस लैटिस। इसी 3D अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं या ब्रेविस लैटिस कहते हैं। क्या इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है, आगे बढ़ें। यानी क्रिस्टल लैटिस क्या है, समझ में आ गया। इन क्रिस्टल लैटिस ईच एटम मॉलिक्यूल्स या आयन, जिसे हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल यूनिट, और उसी सिंगल यूनिट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। लैटिस साइट या पॉइंट्स आर टुगेदर ज्वाइंट बाय स्ट्रेट लाइन क्रिएट ए क्रिस्टल लैटिस। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए एकदम, ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन, बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट में। क्लियर है, नोट कर लिया, वेरी गुड।
अब यूनिट सेल के बारे में आ जाए थोड़ा सा। ध्यान से देख लीजिए, यूनिट सेल किसको कहेंगे? यूनिट सेल में क्या है, यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट पार्ट या पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। इट इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी जो स्पेस लैटिस देखे, जो क्रिस्टल लैटिस देखे, उसमें सबसे छोटा यूनिट जो पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता था, उसे हम लोग क्या कहे थे, यूनिट सेल। याद करो, इस यूनिट सेल को हम लोग ने क्वालिटी कहा था। क्या कहा था? क्वालिटी कहा था। और ये वाला जो टर्म्स हुआ था, इसे हम लोग कहे थे क्वांटिटी। इस वाले टर्म को हम लोग क्या कहे थे, क्वांटिटी। तो एक पार्ट हमारे पास क्वालिटी है और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है। इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो बोलिए। क्वालिटी और दूसरा क्या है, क्वांटिटी। ये भी सीख गए थे। आगे बढ़ा जाए, क्वालिटी भी सिखा चुके थे और क्वांटिटी भी सिखा चुके थे। आगे बढ़ें, कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। तो यूनिट सेल क्या है, सिंपलेस्ट पार्ट है या पोर्शन है, किसका, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का, जो पूरे क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। इट इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यही यूनिट बार बार रिपीट होता है। यानी इसीलिए लिखा कि यूनिट सेल का समेशन ही क्रिस्टल लैटिस कहलाता है या स्पेस लैटिस कहलाता है। पूरे सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस पर डिफाइन होगा, तो यूनिट सेल पर डिफाइन होगा। और उसका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। आगे चलें, ठीक है, वेरी गुड, चलते चलें आगे। आइए जरा, हम लोग क्या सीख रहे थे, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए क्या है, हम 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक एक पॉइंट को। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। पहले एक्स एक्सिस में बिछाए, वाई एक्सिस में बिछाए, जेड एक्सिस में बिछाए, फिर उसका रिपीटिंग यूनिट बार बार बिछाना शुरू किए। तो ये जो पूरा लैटिस आपको दिख रहा है, जिसे आप जाल कहते हैं, ये जो पूरा लैटिस दिख रहा है जिसे जाल कहते हैं, जाल जैसा दिख रहा है। जाल के हर एक बिंदु को हमने क्या कहा था, याद करो, लैटिस पॉइंट कहा था। लास्ट क्लास में ही सिखाए हैं आपको, लैटिस पॉइंट कहा था। और जब इसको 2D में बिछाए थे तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्लेन लैटिस। 2D के अरेंजमेंट को हम लोग कहे थे प्लेन लैटिस। और प्लेन लैटिस आपको एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में हो सकता है, वाई जेड प्लेन में हो सकता है, ठीक है, प्लेन लैटिस था। देन प्लेन लैटिस 2D का अरेंजमेंट था। और जब इसको 3D में देखे थे तो इसी 3D अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस। उसी को आप क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं। और जब इसको ध्यान से देखने लगते हैं, चाहे आप 1D में देखिए या 2D में देखिए या 3D में देखिए, हम बार बार कर रहे हैं, 1D में भी देख सकते हैं, 2D में भी देख सकते हैं, 3D में भी देख सकते हैं, एक स्मॉल पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे यूनिट सेल कहते हैं, जो पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। अगर 1D में देखते, ध्यान से देखो, 1D में देखते तो ये दोनों पॉइंट को देखते तो ये यूनिट सेल कहलाता। अगर हम 2D में देखते तो ध्यान से देखो, ये जो चारों पॉइंट को मिला के बनता ये भी एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल है 2D में, ये यूनिट सेल है 1D में, ये यूनिट सेल है कहाँ, 1D में, ये यूनिट सेल है 2D में। और जब ये स्पेस लैटिस छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स दिख रहा है, ये भी यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल किस में है, 3D में है। तो यूनिट सेल 1D में भी देख सकते हैं, यूनिट सेल 2D में भी देख सकते हैं, यूनिट सेल 3D में भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? तो जो क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पॉइंट होगा जिससे हम क्रिस्टल को क्रिएट करें, पॉइंट कहने का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है, उसको दिखाते इस पॉइंट से हैं। इसलिए इसको कहा जाता है जाल बिंदु, लैटिस का पॉइंट। वो जो जाल बुन रहे हैं उसके हर एक बिंदु को क्या कहेंगे, जाल बिंदु।
और जब उसको टू डायमेंशन में बिछाएंगे तो उसको प्लेन लैटिस कहेंगे, थ्री डायमेंशन में बिछाएंगे तो स्पेस लैटिस कहेंगे, वन डी में भी देखेंगे तो एक रेगुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल। टू डी में देखेंगे तो इस तरह का स्क्वायर टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसको भी क्या कहेंगे, टू डी का यूनिट सेल। और थ्री डी में ये जो बॉक्स वाला सिस्टम आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल। कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट सेल क्या है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ सॉलिड, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट जो बार बार रिपीट होता है और पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टीज को बताता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल। और करोड़ों यूनिट सेल का समूह जो होता है वो स्पेस लैटिस मतलब 3D का समूह है। तो क्या यूनिट सेल सिर्फ 3D में हो सकता है, तो आप कहिएगा नहीं, यूनिट सेल 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। क्लियर। अब पूछा तो क्रिस्टल लैटिस को आसान भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे क्रिस्टल लैटिस ए रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन ए स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, किसका, पॉइंट का। पॉइंट कहने का मतलब यही, लैटिस पॉइंट का, इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्या क्लियर है यहाँ तक कि डाउट है किन्हीं को। अब यह कहानी हम लास्ट डे भी बताए थे, हम एक बार सिर्फ रिपीट कर दिए और लिखा दिए, अब इसकी आगे की कहानी आज हम लोग सुनेंगे। चला जाए आगे। थ्री डी में क्यूबिक टाइप का, हमेशा क्यूब होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्यूबिक टाइप हमने लिखा, अब तो देखेंगे कैसा कैसा होता है। अब तो सीखना वही है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, है ना, सीखना वही है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है, आगे बढ़ें। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे, अब इसके आगे की कहानी हम लोग अब सीख रहे हैं। नेक्स्ट, अब यूनिट सेल पर ही पूरी कहानी हम लोग का बेस हो गया, यूनिट सेल पर पूरी कहानी हम कहाँ पर केंद्रित कर लिए अपने आप को, यूनिट सेल पर। अब यूनिट सेल को कैसे क्लासिफाई करेंगे उस पर कहानी देंगे, ठीक है। तो पहले सीखेंगे पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल को नापने के लिए देखने के लिए कुछ पैरामीटर तो बनाए होंगे, तो वही पैरामीटर देख रहे हैं, यूनिट पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पहले हम 3D से ही चलते हैं, 3D वाले यूनिट सेल को लेते हैं एक, ये 3D वाला यूनिट सेल है, इसको अच्छे ढंग से हमने बना दिया आपके सामने, एकदम खूब अच्छे ढंग से आपके सामने बना दिया। इसे मान लो ये x एक्सिस कर दिया, इसे हम लोगों ने y एक्सिस कर दिया, और इसे हम लोग z एक्सिस कर दिए। ऐसा ही यूनिट सेल बार बार रिपीट होता होगा स्पेस में, तो एक यूनिट सेल को उठाएं, ध्यान से देखना शुरू करना। अब इस यूनिट सेल में हम कर क्या रहे हैं, ये जो x एक्सिस पर है इस यूनिट सेल का एज लेंथ नापें, a। आप अगर किसी क्यूब को खड़ा करते हैं तो क्यूब में 12 एज होते हैं, ये जो किनारा अगर आप देखिएगा तो 12 होता है। देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए जो लिए एक्स एक्सिस में, ए के सामने वाला भी क्या कहलाएगा, ए, ए के ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा, ए, ए के यहाँ वाला भी क्या कहलाएगा, ए। कोई दिक्कत, ये एक्स एक्सिस है तो इसका जो एज लेंथ है वो ए है, ए के सामने वाला भी क्या है, ए, ऊपर भी पैरेलल क्या होगा, ए, आगे वाला भी पैरेलल क्या होगा, ए ही होगा, इसमें कोई कष्ट। अब जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, वाई पर जो खड़े हैं या इधर ही वाई पर हैं, जेड पर जो खड़े हैं, ये वाला बी है, तो बी के सामने बी, बी के सामने बी, बी के सामने बी, कोई दिक्कत। और ये जो सिस्टम है ये सी है, ये सी है, सी के सामने ये क्या है, सी है, सी के सामने ये सी है। तो जो ए बी सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन एज, नॉन एज इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल,
ए बी सी को हम लोग क्या कहते हैं, इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ए बी सी को हम लोग कहते हैं इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। और एक यूनिट सेल में क्या देख रहे हैं कि चार ए हैं, चार बी हैं और चार सी हैं, क्योंकि एक यूनिट सेल में टोटल आपको जब 3D यूनिट सेल देखते हैं तो 12 एज हैं। कितने एज आपको दिख रहे हैं, 12 एज दिख रहे हैं। किनारा सही है यहाँ तक में, किन्हीं को दिक्कत? अब एंगल के बारे में जानते हैं, जरा देखते जाओ। बी के पैरेलल, ए के पैरेलल ए, ए के पैरेलल ए, जितना पैरेलल है ए, बी के पैरेलल बी, बी के पैरेलल बी, बी के पैरेलल बी, सी के पैरेलल सी, सी के पैरेलल सी, कहीं दिक्कत वाला बात? एकदम नोट करते चले। नहीं आपको तो बोले क्रिस्टल लैटिस जब भी होगा तो 3D में होगा, 1D में भी देख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। 2D 3D मैक्सिमम विजन हुआ उसका देखने का। क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ, मैक्सिमम विजन हुआ उसका देखने का। तो जो हम लोग को पढ़ने दिया गया वो मैक्सिमम विजन 3D में दिया गया है, इसलिए वहाँ 3D अरेंजमेंट लिखे। 1D में भी क्रिस्टल लैटिस है, 2D में भी है और 3D में भी है। नोटेड, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब जरा देखोगे ध्यान से, ये क्या देख रहे थे? अब जरा देखो किसी सॉलिड में, ध्यान से देखना, इसे हम लोग क्या कहे, ए, ऊपर वाले को क्या कहे, ये वाले को क्या कहे, बी, एज लेंथ, और ऊपर वाले को क्या कहे, सी। यही तो चीज देखे थे हम लोग। अब जरा एंगल देखते हैं, ए के सामने का एंगल, ए के सामने का एंगल, या ए के सामने के एंगल को हमेशा अल्फा कहेंगे, और बी के सामने के एंगल को, बी के सामने के एंगल को हमेशा, बी के सामने के एंगल को बीटा कहेंगे, और सी के सामने के एंगल को गामा कहेंगे। ए के सामने के एंगल को अल्फा, बी के सामने के एंगल को बीटा, सी के सामने के एंगल को गामा कहेंगे। अब बताइए जरा हमको, ध्यान से देखना, सी के सामने के एंगल को सीटा नहीं कहेंगे, गामा कहेंगे। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर नॉन एज इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल, अल्फा बीटा गामा इज नॉन एज इंटरफेसियल एंगल। अल्फा बीटा गामा को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेसियल एंगल कहेंगे। ए बी सी को क्या कहेंगे, एज लेंथ कहेंगे। तो यानी 6 पैरामीटर हो गए, ए बी सी एज लेंथ, और उस एज लेंथ से जो फेस बन रहा है, उस फेस के बीच जो एंगल है, उस एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरफेसियल एंगल। तो देयर आर सिक्स पैरामीटर। कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर्स हो गए। कौन कौन, तो ए बी सी वो एज लेंथ के हैं, एज लेंथ हो गया, और अल्फा बीटा गामा को इंटरफेसियल एंगल कह दिए। अल्फा बीटा गामा को क्या कह दिए, इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल। अब ये बताओ कि अगर हम क्यूब देखते हैं, जरा देखो ध्यान से, ये क्यूब है, तब खूब अच्छे ढंग से देखते जाओ, कहीं दिक्कत हो तो बोलना भी है। ये क्यूब देख रहे हो, अब इस क्यूब में खूब, तुम खूब सोच के बताओ कि अगर हम, ये ए है, ए के सामने का एंगल अल्फा, यह बी है, बी के सामने का एंगल बीटा, सी है, सी के सामने का एंगल सीटा नहीं, इसको गामा कहेंगे। अब कहीं यहाँ पर देखना चाहते हो तो यहाँ भी देख सकते हो, ये सी है, ये सी है, इसके आगे वाला एंगल क्या हो जाएगा, गामा। अब चाहते हो नहीं सर हमको ए वाला दिखाइए, तो यह ए है, ए है, ए के सामने का एंगल यह अल्फा। कहा नहीं सर हमको बी वाला दिखाइए, तो कहेंगे ये बी है, ये वाला एंगल क्या हो गया, बीटा।
अगर आपको कन्फ्यूजन होता, मान लो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक आसान सा ट्रिक बताते हैं जो कभी आप भूलिएगा ही नहीं कि किसके सामने का एंगल क्या होगा। ऐसे दिमाग में रखना है, ए के सामने का एंगल अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा, सी के सामने का एंगल गामा। हम नहीं जान पा रहे, उतना विजुलाइज नहीं कर पा रहे, फिर भी चाहते हैं कि बढ़िया ढंग से कर लें, तो वो भी कर सकते हैं। पहले इसको लिखिए तो बताते हैं कैसे कर सकते हैं। पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई छोड़ के अदर काम में जाइएगा तो आप ही का नुकसान है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, अभी तो आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर बड़ा लिखते हैं। रेंडमली जब इतना बार बार बुलाते हैं, पढ़ा समझा रहे हैं, तो फिर क्यों आप अपना दिमाग लगाते हैं? सोएब साहब, हमको तो आश्चर्य लगता है, जब इतना बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है? ए के सामने का ही एंगल अल्फा होगा, बी के सामने का एंगल ही बीटा होगा, सी के सामने का ही एंगल गायब हो गामा होगा, सी के सामने का एंगल ही गामा होगा। चले आगे, अब जरा देखो, ध्यान से देखना शुरू कीजिएगा। अगर हमको पीछे नहीं आ रहा है तो ऐसे करेंगे, ए है, बी है, सी है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। जरा देखिए, अगर हम लोग इस तरह से देखना शुरू करें, बड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि बहुत लोगों का दृष्टि कमजोर है, अब ये जरा देखें क्या सिखाएं। या ए के सामने का एंगल ये वाला अल्फा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम जानना चाहते हैं कि क्या है। अगर हम ए और बी के बीच का एंगल देखना चाहते हैं, ध्यान से देखने का तरीका क्या होगा, न वो अल्फा होगा न बीटा होगा, होगा क्या? गामा। ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है? गामा होता है। क्लियर है? अगर हमको कहता नहीं, बी और सी के बीच का एंगल हम देखना चाहते हैं, बी और सी के बीच का एंगल देखना चाहेंगे, तो न वह बीटा होगा न वह गामा होगा, होगा क्या? अल्फा। क्या होगा? अल्फा। तो जरा देखो, ये ए था, ध्यान से देखना, ये वाला जो सही था वो बी था, और ऊपर जो बनाए थे ये सी था। अपने से तुमको देखना शुरू हो जाएगा अब, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि ए और बी, आपको यहाँ पर भी छोटा सा बना देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने का एंगल अल्फा, तो देखो बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल क्या दिख रहा है? अल्फा। बी और सी के बीच का एंगल क्या दिख रहा है? अल्फा। हमको किसके बीच देखना है? ए और बी के बीच का एंगल क्या आया है? गामा। देखो ए और बी के बीच का एंगल क्या आ रहा है? गामा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको ए और सी के बीच का एंगल देखना है, ए और सी के बीच का एंगल देखना है, ना तो वह अल्फा होगा ना तो वह गामा होगा, होगा क्या? बीटा। क्या होगा? बीटा। किसके बीच? ए और सी। देखो तो ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा? बीटा होगा। ऐसे भी पढ़ सकते थे, बी के सामने का एंगल बीटा होगा, आसान तरीका है। जिसके बीच देखना है, ए बी सी ऐसे लिख दिए, अल्फा बीटा गामा लिख दिए, ए और बी के बीच देखना है, तो ए और बी के बीच एंगल ना अल्फा होगा ना बीटा होगा, होगा क्या? गामा। बी और सी के बीच का एंगल देखना है, ना बीटा होगा ना गामा होगा, होगा क्या? अल्फा। जो नहीं है वो हो जाएगा। ए और सी के बीच देखना है, ना अल्फा होगा ना गामा होगा, हो जाएगा क्या? बीटा। ऐसे करके देखेंगे, आसान तरीका दिखेगा हम लोग को। अब ए के सामने का एंगल अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा, सी के सामने का एंगल गामा, ऐसे देख सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो दिमाग में रख लीजिए। कितने एज होते हैं यूनिट सेल में? 12, जिसमें 4 ए होंगे, 4 बी होंगे, 4 सी होंगे, है ना, और हर एक जगह सबका एंगल होगा, तो 4 बार अल्फा दिखेगा, 4 बार बीटा दिखेगा, 4 बार गामा भी दिखेगा, जहां पर हम देखना चाहेंगे वही दिखेगा। कहीं कन्फ्यूजन है? कहीं कन्फ्यूजन है तो बोलिए।
ठीक है। अब ये जरा बताओ, यहाँ वाला ये लाइन है बी, ये लाइन क्या हो गया बी, ये बी है, ये भी बी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, ये लाइन सी है, ये सी है, और ये लाइन जो है ए है। ज़रा ध्यान से देखो, ये लाइन ए है, एज लेंथ दिख गया। अब जरा देखो बी और ए, ए और बी के बीच का एंगल देख रहे हैं, ए और बी के बीच का एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, गामा, क्योंकि सी के सामने है गामा। करा नहीं नहीं, हमको बताइए क्या, तो ये बी और सी के बीच का एंगल बताइए, बी और सी के बीच का एंगल बताइए, बी और सी के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा, न बीटा होगा न गामा होगा, क्या हो जाएगा, अल्फा, और ए के सामने है इसलिए अल्फा। जिस तरीके से आप देखना चाहिएगा उस तरीके से देख सकते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ें, क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है, वेरी गुड, श्रुति कुमारी क्लियर है, गैंगस्टर का भी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्या देखने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, अल्फा ए और बी के बीच का एंगल, ना अल्फा होगा ना बीटा होगा, गामा होगा, बी और सी के बीच का एंगल, ना बीटा होगा ना गामा होगा, क्या होगा, अल्फा होगा, और ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो आप कहिएगा कि ए और सी के बीच का एंगल ना अल्फा होगा ना गामा होगा, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, हम दिख रहा है तो नीचे लिख दिए बीटा हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात, आगे बढ़ें, क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है, नोट, आगे चला जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, नेक्स्ट पॉइंट में चला जाए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाई करेंगे, जरा देखिए, यूनिट सेल को दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, आराम से बढ़ते चलें, देखते जाएं। फर्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, डायमेंशन, डायमेंशन से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, या ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, इसके आधार पर यूनिट सेल को हम लोग तीन कैटेगरीज में बांट रहे हैं। पहला यूनिट सेल हो जाएगा 1D, 2D, 3D। ध्यान से सुनिएगा बात को, 1D में डायमेंशन के हिसाब से सिर्फ वन यूनिट सेल होता है, एक ही तरह का यूनिट सेल होता है, और इसमें जब पैरामीटर लगाएंगे 2D में तो यहाँ 5 क्रिस्टल सिस्टम आएगा। और जब हम लोग 3D में देखेंगे तो यहाँ 7 क्रिस्टल सिस्टम आएगा। जरा सुनिएगा ध्यान से, NCERT में इसी 3D सिस्टम को दिया है पढ़ने के लिए, कौन सा सिस्टम दिया है, 3D, पर दो तीन बार एग्जामिनेशन में, JEE में तो बहुत बार पूछता है, NEET में बहुत बार पूछता है, पर बोर्ड लेवल पर हम बात बता रहे हैं कि दो तीन बार 2D सिस्टम से क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हमको 1D भी सीखना है, 2D भी सीखना है और 3D भी सीखना है, क्लियर है। तो क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल या ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, इसको तीन कैटेगरीज में बांटे हैं। ये हो गया 1-डायमेंशनल यूनिट सेल, 2-डायमेंशनल यूनिट सेल, 3-डायमेंशनल यूनिट सेल। 1-डायमेंशन का एक ही टाइप होता है, 1 टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है, 1 टाइप ऑफ यूनिट सेल,
टाइप ऑफ यूनिट सेल। यहाँ क्या होगा, फाइव क्रिस्टल सिस्टम, पांच तरह के यूनिट सेल देखेंगे, और यहाँ सेवन क्रिस्टल सिस्टम दिखेगा। कितने क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे, सेवन क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिविटी। आप पूछिएगा सर ये प्रिमिटिविटी क्या है, तो इसको सरल भाषा में लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स अरेंजमेंट इन यूनिट सेल, एटम्स अरेंजमेंट इन यूनिट सेल। इसके आधार पर यूनिट सेल को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके आधार पर यूनिट सेल को हम लोग दो कतार में बांटते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दो कैटेगरीज में बांटते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है आप कह सकते हैं आधुनिक, उसके मतलब से हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या है उस पर हम लोग फोकस करके समझाते हैं। यह एक तरह का होगा एटम, और यह तीन तरह का होगा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात? तो एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है लेटेस्ट, आधुनिकता के आधार पर। ठीक है, पर हम लोग को उसके ये मीनिंग से नहीं जानना है, कैसे उसको दिखा के समझाते हैं उस पर फोकस करना है। यह एक तरह का होगा या तीन तरह का होगा, क्लियर? फिर से एक बार रिकैप कराते हैं, आपके दिमाग में सेट हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यानी ये दोनों एक ही चीज है, या तो डायमेंशन कहिए या तो पैरामीटर कहिए। इसके आधार पर यूनिट सेल को 1D, 2D और 3D में डिफाइन किए हैं। 3D वाला पार्ट ही आपको NCERT बुक में मिलता है। 1D का एक ही टाइप का क्रिस्टल होगा, कैसे होगा अभी दिखाएंगे। इसमें फाइव क्रिस्टल सिस्टम होंगे, वो भी दिखाएंगे, वो भी समझाएंगे, क्योंकि आपको बार बार बोलना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर सेवन क्रिस्टल सिस्टम होंगे 3D में, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिविटी मतलब एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से यूनिट सेल को दो मेजर क्लास में बांटते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसे हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें तीन तरह के एटम्स अरेंजमेंट होंगे, वो अभी हम लोग करके आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, पहले लिख लीजिए तो आगे चलेंगे। भाई पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है वो पूछिए। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक मैं किन्हीं को किसी तरह का कोई दिक्कत, अमोल कुमार लिख लिए हैं, मनीष कुमार जी नहीं दिख रहे हैं, सुधांशु बाबू नहीं दिख रहे हैं, प्रिया कुमारी, सौरभ अवस्थी साहब देख लिए हैं, मयंकराज, नंदन कुमार, श्रेया सिंह, रोशन बाबू देख लिए हैं, सोहेब साहब, तनुश्री, गैंगस्टर देख लिया है, दिव्यांशु, प्रियांशु राज, मंत्री विम्पार, विक्की राज, मंतशा जी, सब कोई देख रहा है क्लास? ठीक है। एक दो दिन में इसका टेस्ट का अनाउंसमेंट हम कर देंगे, किस दिन टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। पहले एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर ही बता दें, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिविटी
प्रिमिटी वी टी, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एटम अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स अरेंजमेंट, एटम्स अरेंजमेंट इन यूनिट सेल। एटम्स अरेंजमेंट, इसके आधार पर दो मेजर पार्ट कर दीजिए। एक हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। इसी का दूसरा नाम है सिंपल यूनिट सेल, ध्यान से सुनिएगा, इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंपल यूनिट सेल। इसको हम लोग एससी भी कहेंगे। अगर आप इस तरह से सिस्टम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। सबको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन यहां पर है, सिर्फ कॉर्नर पर अगर एटम हुआ, कॉर्नर पर ये एटम हुआ, ध्यान से देखिएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहां पर है एटम, सिर्फ कॉर्नर पर है। ध्यान से देखिएगा कि जो एटम्स हैं वो कहां पर हैं, कॉर्नर पर हैं। तो वैसे यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। अगर किसी यूनिट सेल में सिर्फ उसके कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वैसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं आपको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं तो थोड़ा दिखाने में हमको मदद मिलेगा। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एकदम आराम से देखते जाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो पूछना है। अब हम यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो एक ये, इसमें तीन है, एक तो ये बना दिया, एक ये बना दिए, अब क्या है, कॉर्नर पर तो रहे ही, कॉर्नर पर तो रहे ही, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बीच में, एकदम बीच में, बॉडी के बीच में यह यूनिट सेल आ जाए, बॉडी के बीच में आ जाए, बॉडी के बीच में आ जाए, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये तरह के यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपको क्या दिख रहा है कि कॉर्नर पर तो दिखे ही, कॉर्नर पर तो दिखे ही, कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पर तो दिखे ही, कॉर्नर के साथ साथ हर फेस पर दिखे। कैसे दिखना चाहिए, देखो, या एक फेस से किसी क्यूब में फेस कितना होगा, आपने तो ए दे जोर लिया 12 होगा, फेस कितना होगा 6। किसी पासा को देखते हो, लूडो खेलते हो तो पासा को देखते हो ना भाई, उसमें 6 फेस होते हैं। किसी रूम में, क्यूबिक रूम में बैठते हो तो 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, है कि नहीं, तो 6 फेस होते हैं। तो आप जरा देखिए, है कि नहीं है, यानी इसका मतलब कॉर्नर पर है
और हर फेस पर बीच में एक एटम डाल दिए हैं। कॉर्नर पर तो सब में रहेगा, यहाँ देखें सिर्फ कॉर्नर पर है तो सिंपल यूनिट सेल, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बीच में एटम डाल दिए तो उसको कहे बॉडी सेंटर्ड, और कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पर डाल दिए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक और बना रहे हैं जिसको हम लोग इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में क्या यूनिट है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूब अलग होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब जब सिर्फ क्यूब की चर्चा करेंगे तो उसको FCC कहेंगे, है ना। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है पूछिए, यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है पूछिए, तब हम लोग इन सेंटर्ड यूनिट सेल की ओर बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे, इन सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सब दिखाएंगे, सब में परमाणु की संख्या। अब तो धीरे धीरे ना दिवाकर जी, कि आज ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो वो पूछिए, जितनी बातें जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आप करते जाइए, पढ़ाई की सीमा का कोई अंत नहीं है, पर जैसे पढ़ा रहे हैं आपका बोर्ड से लेकर जेई मेंस एडवांस तक का हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए दावा करते हैं, यही बात को ध्यान में रखिएगा। पर जैसे बता रहे उससे अकॉर्डिंग चलिए, है ना, कोई चीज़ कहीं पर नहीं छूटेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट नहीं किए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर थोड़ा नीचे कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके पास वो सेव रहेगा, हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ऊपर का नहीं नोट किए हैं तो। हाँ, बॉडी वाला में कॉर्नर पर तो रहेगा ही, एक बात समझिए, कॉर्नर में तो सब पर रहेगा, कॉर्नर के साथ बॉडी के बीच में रहेगा, है ना। फिगर बताएंगे, 3D भी बना के अभी हाथ में दिखाएंगे आपको, घबराइए नहीं, पहले तो समझा लेते हैं हम। कॉर्नर पर तो रहेगा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बीच में रहेगा तो बॉडी सेंटर्ड होगा, कॉर्नर पर तो रहेगा, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर रहेगा तो फेस सेंटर्ड होगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पर रहेगा, कॉर्नर पर तो रहेगा ही, एक बात दिमाग में सेट कर लो, कॉर्नर तो सब में है, कॉर्नर वाला सब में, कॉर्नर के साथ बॉडी पर रहे तब बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ फेस पर रहे तब फेस सेंटर्ड। अकेला यानी ये जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के साथ ही वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लियर। थोड़ा सा जो नहीं लिख पाए हैं ऊपर वाला, वो थोड़ा ऊपर वाला लिख लीजिए, ये जो नहीं लिख पाए ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, यही तो दिखाए थे ऊपर वाला, कोई आदमी कह रहे नहीं लिख पाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताते इन सेंटर्ड कैसे है। हाँ दिवाकर जी, एकदम, आप तो हिंदी में बहुत प्रांगत हो गए हैं, पर थोड़ा इंग्लिश का भी जानकारी लेते रहिए तो चीज़ें समझना और आसान होते चली जाएगी। नोट कर लिया, चलें। हिंदी में तो हम देखें, हम बार बार कोशिश करते हैं पर कुछ न कुछ ऐसा परिस्थिति बन जा रहा है कि आपको हम भेज नहीं पा रहे हैं। देखिएगा, एक और है नॉन प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है अब ध्यान दीजिएगा। एक हो गया सिंपल यूनिट सेल, सॉरी अभी आप क्या देखें, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड ये देख चुके हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड सीख चुके हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और अब जो दिखा रहे हैं वो है आपको इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिएगा इंड सेंटर्ड क्या करते हैं, बनाने का तरीका देखिए, आप एक सिंपल यूनिट सेल बना लीजिए, बना लिया,
अब एक तो है क्या दिखा रहे हैं सब में, पहले इधर भी बना देते हैं, बॉडी वाला भी छोटा छोटा बनाते हैं, अब तो समझ गए हैं तो छोटा बनाएंगे तो दिख जाएगा सबको। अब ये बताओ कॉर्नर पर तो सब जगह रहेगा, कॉर्नर पर तो सब जगह रहेगा, हम किसी में कॉर्नर पर नहीं हटा रहे हैं, सब भी देखो कॉर्नर पर तो सब जगह दे रहे हैं, कॉर्नर पर तो सब जगह दे रहे हैं, कॉर्नर पर तो सब जगह दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बॉडी का जब देखेंगे तो कॉर्नर के साथ साथ इसके बीच बॉडी में एक आ गया, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर नहीं देते तब तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाता है। ठीक है, बॉडी के बीच में एकदम सेंटर पर है। अब 3D मॉडल से दिखा के भी समझाएंगे भी आपको। अब यहाँ जो देख रहे हो कॉर्नर पर तो ही, अगर फेस सेंटर्ड की बात करते तो किसी भी क्यूबिक सिस्टम में 6 तरह के फेस हो रहे हैं और हर फेस के सेंटर पर जब आ जाता कॉर्नर के साथ साथ ऐसा होता तब आप क्या करते, दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे आप कहते हैं कि ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब इन सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर पर तो है ही, किसी दो ही पैरेलल फेस को लोगे, किसी दो ही पैरेलल फेस को लोगे तब ऐसा काम करना। जब दो पैरेलल फेस को लोगे, या ये दो पैरेलल फेस है, किसी भी दो पैरेलल फेस में कॉर्नर पर तो एटम रहे ही और दो पैरेलल फेस पर एटम रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। एकदम पूरा हम लैटिस पहले हम बोर्ड पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम आप उसको हाथ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। जितना प्रयास हो सकता है इसको समझाने का वो सभी हम आपके साथ करेंगे, है ना। धीरे धीरे एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, किसी भी चीज़ को कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। जो चूँकि फर्स्ट टाइम जो हमसे पढ़ रहे हैं तो उनके लग रहा होगा कि एक ही दिन में सब हो जाए, है ना। हम एक भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, जो हमसे पढ़े होंगे कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको हम बार बार कहते हैं कि आप बैठ के कहीं से कंपेयर करो किसी लेवल पर जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल रहा है, है ना। और बहुत बारीकी से मिल रहा है, बहुत डेप से मिल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने जा रहा है। तो मेरा प्रयास होता है कि पहले चीज़ों को समझ जाएं, ऐसा ही नहीं कि हम सब कुछ एक बार परोस दिए अब आप उसको पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा समय लेकर लें, थोड़ा स्लो चल रहे हैं। कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अभी कोरोना का सिस्टम है, लोग कहता है कि आप क्या कीजिए, जब ट्रीटमेंट होता है तो धीरे धीरे चीज़ें को, मेडिसिन सबको भी हम लोग धीरे धीरे डालते हैं, एक ही बार कहाँ अचानक डाल देते हैं, क्योंकि चीज़ें को आपको बॉडी को एब्जॉर्व करने में पचाने में थोड़ा समय लगता है। और थोड़ा थोड़ा डेली देने से क्या होता है, चीज़ें रिलैक्स मूड में आपके पास चली जाते हैं और एम्पावर्ड होकर आप निकलते हैं। यही कारण है कि थोड़ा स्लोली मूव कर रहे हैं, हमको पता है कि हमको ख़त्म करना है, इसलिए तो दो टाइम हम लोग किए हुए, सुबह 8 शाम 8, बीच में हमारी परिस्थिति परेशानी है, घरेलू समस्या आ जाता है, इसके चलते एक दिन मिस हो गया। नहीं तो हम भी नहीं चाहते हैं कि हम जितने भी कठिन परिस्थिति में रहते हैं फिर भी चाहते हैं कि आपका क्लासेस आराम से चलता रहे, उसमें दिक्कत नहीं हो, है ना। पर आपके तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए, क्लास टाइम पर करें। अब सर तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं करते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं, कमेंट ज़्यादा करने लगते हैं, लाइक बटन बताने में भी आपको दिक्कत हो जाता है, शेयर करने में भी आपको दिक्कत हो जाता है, तो बहुत तरह की समस्या आपके साथ है और सिर्फ आपस में इंटरेक्ट करते रह जाते हैं, ये भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। आगे बढ़ें हम लोग, कोई भी तीनों में कोई भी पैरेलल फेस पर दो चला जाएगा, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान में रखिए कि बॉडी सेंटर्ड हुआ कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बीच में रहेगा, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर रहेगा तो फेस सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ दो पैरेलल फेस पर रहेगा तो इन सेंटर्ड।
क्लियर है। ये किसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं? एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर कर रहे हैं। अब हम लोग डायमेंशन के आधार पर यानी पैरामीटर्स के आधार पर करते हैं और फिर दोनों को कोरिलेट करते हैं। देखिए कितना मजा आएगा। और तब 3D का उपयोग हाथ से करके दिखाना शुरू करते हैं आपको हर एक चीज में। ठीक है, इन सेंटेंस में कुछ नहीं करना है कि दो कॉर्नर पर तो रहेगा ही रौनक जी, और कॉर्नर के साथ साथ दो पैरल, किसी भी दो पैरल हम ऊपर नीचे लिए, आप लेफ्ट राइट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और ये सभी जो स्टडी हम लोग सीख रहे हैं वो किसके बेसिस पर सीख रहे हैं? क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर। क्रिस्टलोग्राफी जो मेथड है उसी ने ये सब चीज को देख कर एक्सप्लेन किया है, तो उसको सिखाते, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे आगे। हाँ, दो ही साइड पर रहेगा आयुष कुमार, दो ही साइड पर रहेगा, पैरेलल फेस पर लिया जाएगा। ठीक है, ये सभी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर बेस है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट किसके आधार पर आया है? क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर आया है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल या डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, तो पहले 1D पर चर्चा कर लें, वन डायमेंशनल 1D यूनिट सेल, 1D यूनिट सेल। ध्यान से देखना, इसमें एक ही तरह का टाइप होता है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी पैटर्न्स होगा एक ही एक्सिस में हमको देखना है, एक ही एक्सिस पर देखना। 1D मतलब एक ही किसी एक्सिस पर देखना है। ये एक्स एक्सिस है मान लो, या वाई भी लेते, किसी एक एक्सिस पर देखना है। अब इस अरेंजमेंट को हम टच करा रहे हैं, देखो ध्यान से। तो ये जो यूनिट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, यह एक यूनिट सेल है, वन यूनिट सेल है। तो यहां पर भी यह एक पार्ट, ये दूसरा यूनिट सेल हो गया, ये तीसरा यूनिट सेल हो गया, पर सब यूनिट सेल तो एक ही जैसा ही है। ये जैसा है वैसा ये है, वैसा ये है वैसा ये है, ये रिपीट हो रहा है। तो 1D में भी यूनिट सेल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये 1D का यूनिट सेल होता है जिसमें एक ही तरह के यूनिट सेल आते हैं और किसी दूसरे तरह का यूनिट सेल नहीं आएगा। अब यहां पर अगर आपसे पूछता कि देखो ये बताओ बाबू, ये जो एटम है, एक एटम जो है यहां पर, अब एटम जैसा देखते हैं, अब जब 1D यूनिट सेल की बात करते हो, 1D यूनिट सेल की बात करते हो, अब जरा देखो ध्यान से, ये जो सेंटर आप मिलाए, अब ये बताओ एक यूनिट सेल, ये वाला जो एटम आप देखते हो, ये वाला जो एटम आप देख रहे हो, ये बताओ कितने यूनिट सेल में जाता हुआ दिख रहा है आपको? तो आप कहोगे सर ये इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एटम इस यूनिट सेल, यहाँ दो यूनिट सेल है, यह एक यूनिट सेल ये है और ये दूसरा यूनिट सेल ये है, तो ये इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस यूनिट सेल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी एक में कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो कहोगे सर इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि वन डायमेंशन में कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं, तो एक तरह के यूनिट सेल होते हैं। वन डायमेंशनल यूनिट सेल में जो यह एक एटम मान रहे हैं उसका एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है? तो कहिएगा उसका एक यूनिट सेल में आधा योगदान होता है, और आधा किसका किस में होता है? दूसरे यूनिट सेल में योगदान होता है। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर आपसे पूछा कि वन डायमेंशनल यूनिट सेल है तो वन डायमेंशनल यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं? तो कहिएगा सिर्फ एक ही प्रकार के टाइप्स होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा
कि वन डायमेंशनल यूनिट सेल में जो एक एटम होता है वो कितने यूनिट सेल में जाता है, तो आप कहिएगा कि वो दो यूनिट सेल में जाता है। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, जस्ट हाफ होता है। इसलिए यहाँ कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, हाफ है, और यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हाफ है। क्लियर सी बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाफ वन बाई फोर नहीं है, हाफ वन डी की बात कर रहे हैं। टू डी में जाएगा वन बाई फोर्थ, टू डी में जाएगा वन बाई फोर्थ, वन डी में हाफ, टू डी में वन बाई फोर्थ, और जब थ्री डी में जाएंगे तो देखेंगे तो वन बाई एट हो जाएगा कॉर्नर वाला एटम, है ना। वही तो सिखाना चाह रहे हैं, एकदम बेसिक से सीखिए। एनसीईआरटी में सिर्फ थ्री डी का चक्कर है, वन डी में हाफ, टू डी होता वन बाई फोर्थ होता, और थ्री डी होता तो कॉर्नर वाला एटम वन बाई एट होता। वही चीज़ तो सीखना है। ये वन डायमेंशनल यूनिट सेल है, कौन सा यूनिट सेल है, वन डी यूनिट सेल की बात हम लोग कर रहे हैं। क्लियर, तो आज हम लोग यहीं पर रुका जाए, बाकी शाम में हम लोग सीखेंगे कौन सा, तो शाम में हम लोग आ जाएंगे इसके साथ, जीओसी के साथ आ जाएंगे शाम में। और अच्छे ढंग से तैयारी करते जाइए, कहीं भी कोई चीज़ नहीं छूटेगी, इसकी एकदम गारंटी लेते रहिए। पर हम जैसे बता रहे हैं उस तरह से चलिए, और जिस समय पढ़ा रहे उस समय कीजिए, क्योंकि सेकेंड टाइम के बाद, कल या परसों के बाद, अब कोई भी क्लासेस का वीडियो आपको उस तरह से नहीं दिखेगा, हटता चला जाएगा। सिर्फ शुरू में ही आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। आज इतना ही, मिलेंगे कब, शाम में।